जी एन टी स्पेशल में आज बात उस गुड न्यूज की जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त कई सालों से कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। रामलला की मूर्ति का चयन भी 20 दिसंबर तक हो जाएगा और मंदिर में रामलला बालक रूप में विराजेंगे। इसी सोच के साथ प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। समारोह के लिए खास तौर पर राजस्थान से देसी गायों का घी मंगवाया गया है। बताया जा रहा है कि इसी घी से रामलला का अभिषेक होगा और उनके मंदिर में दीपक भी इसी घी से जलाया जाएगा। आखिर राजस्थान से आए इस घी में ऐसा क्या खास है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए इसे विशेष रूप से मंगवाया गया है, देखिए हमारी रिपोर्ट में। हो रहा था जिस शुभ मुहूर्त की राह करोड़ों राम भक्त एक लंबे अरसे से कर रहे थे, आखिरकार वो शुभ घड़ी आने वाली है। रामलला आने वाले हैं, तभी तो अवधपुरी स्वागत में जुटी है। एक तरफ मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, दूसरी तरफ रामलला का बाल रूप विग्रह बनाया जा रहा है। एक ओर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण छप रहे हैं, तो वहीं इसी समारोह के लिए सामग्री से लेकर गृह रथ यात्रा राजस्थान से अवधपुरी पहुंच चुकी है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी अयोध्या आया है। इस घी का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में अखंड ज्योति और इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए विधि विधान से कार्यक्रम 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे और उसी अनुष्ठान के लिए ये घी जोधपुर से आया है, जो गाय का घी है और उन गायों का घी है जिनको रामचरितमानस का श्रवण कराया जाता रहा है। अब ये घी अयोध्या पहुंच गया है। ये 5 कोसी मार्ग जो अयोध्या का है उसकी परिक्रमा करेंगी ये गायें और ये घी पूरा। उसके बाद ये रामलला जो ट्रस्ट है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा और इसके बाद ये राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाएगा, जहां रामलला का जो विग्रह होगा उसकी इससे स्नान कराया जाएगा इसी घी से, और इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा उसमें इसका इस्तेमाल होगा। 108 कलश भी, 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से लगभग 1250 किलोमीटर की यात्रा पर अयोध्या के लिए निकला था। इस घृत रथ यात्रा को जोधपुर के संत महर्षि सांदीपनी महाराज 5 बैलगाड़ियों के साथ अयोध्या लेकर पहुँचे। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने कार सेवकपुरम में इस घृत रथ यात्रा का स्वागत किया। ये कलश कार्तिकपुरम में आ जाएंगे और राम जी का समर्पण मान लिया जाएगा। एक कलश राम जन्मभूमि पर पहुंचा दिया जाएगा। भगवान का दीपक और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पूजन पाठ होगा उसमें इसका सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े हर पहलू की तरह ही जोधपुर से आया ये घी भी बेहद खास है। जोधपुर की बनाट गौशाला में इस घी को खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयार करवाया गया है। घी तो गौ माता का है और गौ माता का घी उन गौ माताओं का जो हमारे इस भारत भूमि पर विचरण करते हैं, देसी गौ वंश की जो नस्ल है उन गौ माताओं का ये दिव्य घृत है जो 2400 घंटे वनाड़ गौशाला के अंदर। गौशालाएं तो अन्य जगह बहुत सारी हैं,
मगर बनाड़ गौशाला के अंदर 2400 घंटे 365 दिन श्रीमद् भगवत गीता चलती है और गर्भ धारण करते समय, जन्म लेते समय, दूध पीते समय, चारा चरते समय एवं दूध देते समय, निद्रा लेते समय, अंततः प्राण त्यागते समय भी गौ माता श्रीमद् भगवत गीता सुनती हैं। ऐसा दिव्य घी आज भगवान श्री राम लला के चरणों में अयोध्या पहुंचा है। यानी तैयारियां पूरी हैं, तारीख तय है, मुहूर्त तय है, अतिथि भी तय है, बस फासला है 46 दिनों का। और फिर वो शुभ घड़ी आ जाएगी जब दुनिया भर में मौजूद करोड़ों राम भक्तों का इंतजार पूरा हो जाएगा और भक्त श्री राम जन्मभूमि के विराट मंदिर में उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। ये खास घी है और उन गायों का है जो रामचरितमानस का लगातार श्रवण करती रही हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उनका जो घी है ये अपने आप में बड़ा खास है। इसीलिए एक लंबी दूरी तय करने के बाद अयोध्या पहुंचा है और दावा यही किया जा रहा है कि इसी से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विधि विधान से पूजा अर्चना होगी और इसी से श्री राम की भव्य मूर्ति का स्नान भी कराया जाएगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज।